हेलो स्टूडेंट्स, दसवीं क्लास के सारे बच्चों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सारों का मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अज असी 14वें चैप्टर की एक्सरसाइज 14.2, ठीक है, 14.2 प्रश्नावली असी करनी है। तो वह पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की रकम देखो। हेठ दित्ती सारणी किसी हस्पताल विच एक विशेष साल विच भर्ती हुए रोगियों की उम्र दर्शाती है, ठीक है, उम्र सालों में दी है तो रोगियों की संख्या दी है हस्पताल के, ठीक है। 5 से 15 साल के 6 है, 15 से 25 साल के 11 मरीज है, 25 से 35 साल के 21 मरीज है, 35 से 45 साल के 23 है, 45 से 55 साल के 14 है, 55 से 65 साल के 5 है, ठीक है। ये सानू सारणी दे दी है, टेबल देता। उपरोक्त अंकड़िया का बहुलक अते मध्यमान दो चीज़ा पता करनी है, एक तो बहुलक पता करना, एक मध्यमान पता करना। दोहां केंद्रीय प्रवृत्तियां दे माप की तुलना करो अते उन्हां दी व्याख्या करो, ठीक है। उन्हां दा कंपैरिजन करांगे तो असीं उन्हां नूं उस कंपैरिजन नूं एक्सप्लेन करांगे। इंग्लिश मीडियम लई देख लो, इंग्लिश रकम हैगी तुहाडी, द फॉलोइंग टेबल शोज़ द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, एज इन ईयरस एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स, 5 to 15, 6, 15 to 25, 11, 25 to 35, 21, 35 to 45, 23, 45 to 55, 14, and 55 to 65, 5. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. ठीक है, कंपेयर करना तो इन्हों की व्याख्या करनी असी। हुण जिहड़ी सानू रकम दित्ती है उहदे हिसाब नाल ये सारणी बन जाती है। मोड वास्ते मैं बनाया सिर्फ ये, ठीक है, मीन वास्ते असीं बाद च करते हैं क्योंकि ये साडे वास्ते एक नवी टर्म हैगी है मोड, जिहड़ी पहलां असीं मीन करके आए हैं यानी कि मध्यमान करके आए हैं तो हुण असीं बहुलक करना है, मोड करना है, ठीक है। नौवीं क्लास जिहड़ा असीं मोड कीता सी उहदे विच असीं साडे कोल सिंपल डाटा सीगा, ठीक है, तो इत्थे साडे कोल जिहड़ा डाटा है वह ग्रुप्ड डाटा है। उदों असीं देखदे सी कि किहड़ा अंकड़ा ज़्यादा वारी आया तो वह मोड है, ठीक है। ये सानू हुण ग्रुप के विचों देखना पैना है कि साडा मोड किहड़ा आ, ठीक है, बहुलक किहड़ा आंदा। तो सिंपल है ये भी असीं जिहड़ी फ्रीकुएंसी है वह देखांगे पहला, यह फ्रीकुएंसी है, ये जिहड़ी फ्रीकुएंसी सब तो ज़्यादा किहड़े ग्रुप की फ्रीकुएंसी सब तो ज़्यादा 35 से 45 वाले की, मतलब जिथे ज़्यादा चीज़ पई है तुहाडे कोल, इत्थे रोगी 6 आ, 11, 21 आ, 23, 14 ते 5 है, 23 सब तो ज़्यादा रोगी इस ग्रुप दे आ। इहनूं मैं मार्क कर लिया, मैं तो पेनां ही कीता, तुसीं पेंसिल नाल कर लेना जां पेपर 'च जे करोगे, इहनूं मार्क कर लेना। फिर देखो तुसीं, तुहानूं मोड का जिहड़ा फॉर्मूला पता होना चाहिए, यह फॉर्मूला है बहुलक यानी कि मोड। इहदे विच इह फॉर्मूला हैगा एल प्लस ब्रैकेट के साडे कोल हैगा एफ वन माइनस एफ जीरो बटे दे विच 2F1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, इहनूं गुणा होई एच दे नाल मल्टीप्लाई बाय एच। हुण ये टर्म सारियां की हैगियां, ठीक है, एल की है, एफ वन की है, एफ जीरो की है, एच की हैगा, यह पता होएगा तो यह साडा सवाल बहुत सौखा है, ठीक है। अच्छा हुण देखो, सब तो पहले असीं एल देखते हैं, जिन्हों असी मार्क किया ना जिस ग्रुप की फ्रीकुएंसी ज़्यादा आ उहदी जिहड़ी लोअर लिमिट है वह एल होएगी, जिहड़ी लोअर लिमिट है ये एल होगी, ठीक है। उस तो बाद आ गया एफ वन, एफ वन साडा इहदी जिहड़ी फ्रीकुएंसी है ये एफ वन है, ठीक है। एफ जीरो ये तो एक उपरली, एक तो पिछे जीरो ही होंदी है, ठीक है। एफ टू एक तो बाद वाली, ये देखो 0, 1, 2 बन गए, ठीक है। एच एच यदि विड़थ हैगी है, यदि चुड़ाई है जी साडा वर्ग अंतराल हैगा, यदि आपसी चुड़ाई किन्नी है, 5 से 15, 15 से 25, 10 का अंतर है, ठीक है। तो एच साडा 10 है, ये सब तो पहला तुसी इत्थे लिख लेना, इत्थे एल किन्ना आया, एल साडे को आया 35, ठीक है, 35 है ना। उस तो बाद एफ जीरो 21, एफ वन 23, तो एफ टू 14, ठीक है। अगे साढ़े को आ जाता एच, एच हैगा 10,
ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੋਡ ਜਾਂ ਬਹੁਲਕ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਲ 35 ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਸਾਡੀ, ਐਫ 1 23 ਮਾਈਨਸ ਐਫ 0 21 ਬਟੇ 'ਚ 2 ਗੁਣਾ ਐਫ 1 2 ਐਫ 1 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਨੂੰ ਐਫ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਆ। ਐਫ 1 ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 23 ਮਾਈਨਸ ਐਫ 0 21 ਮਾਈਨਸ ਐਫ 2 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 35 ਅਤੇ 35 ਆ ਗਏ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਲੱਸ 23 'ਚ 21 ਘਟਾਓ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 2 ਬਟੇ 'ਚ 23 ਦੂਣਾ 46 ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ 35, ਇਹ ਹਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਗੁਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 35 ਪਲੱਸ 2 ਬਟਾ 46 'ਚੋਂ 35 ਘਟਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀ 11 ਬਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ 10 ਨਾਲ। ਹੁਣ 10 ਦੇ ਨਾਲ 11 ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ 2 ਨਾਲ 11 ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 35 ਪਲੱਸ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, 2 ਦਾ ਇਹ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟੇ 'ਚ 11, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਇੱਦਾਂ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਟੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 1 ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ 20 ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਬਟੇ 'ਚ 1 ਹੋਏਗਾ, 1 ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਟੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 35 ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਲੱਸ 20 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 11 ਇੱਕਮ 11, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 9। ਡੈਸੀਮਲ ਲਾਓ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ 0 ਲਾ ਕੇ 0 ਤਾਰੀ 90 ਹੋ ਗਏ, 11 8 88, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 2, 1 0 ਹੋਰ ਉਤਾਰੋ 20 ਬਣ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 20 ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, 11 ਇੱਕਮ 11, ਫਿਰ 9 ਬਚ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 0 ਲਾ ਲਓ 90 ਆ, 11 8 88, ਮਤਲਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ 8 1 8 1 8 1। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 1.8 ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ 35 ਪਲੱਸ 1.8 ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 35 ਪੂਰੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.8 ਹੈ, 8 ਦੇ 8 ਲੱਗਣੇ ਆ, 5 ਅਤੇ 1 6 3, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਲਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36.8, ਮੋਡ ਸਾਡਾ 36.8, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਮੋਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਨ। ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸਾਰਾ ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਧਮਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਕਮ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਭਰ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ 15 ਪਲੱਸ 5 20 ਹੋ ਗਏ, 20 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਸਾਡਾ 10 ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 25 ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹ 40 ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, 40 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 20 ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, 10 10 ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 10 10 ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
हुण जदों साडे कोल क्लास मार्क आ गया तां हुण असीं इह देखणा कि असीं इहनूं किहड़े मैथड नाल सोल्व करिए। तीन मैथड आ साडे कोल, इक डायरैक्ट मैथड आ, एक काल्पनिक है अज्यूम्ड मैथड है, तीसरा साडे कोल हैगा स्टैप डेविएशन मैथड, पग विचलन विधि। जिहड़ा तुहानूं सौखा लगता तुसीं उहदे नाल कर लैणा, ठीक है। डायरैक्ट मैथड दे विच प्रतख विधि दे विच इहनां दोनों नूं गुणा करके इत्थे रख लईदा एफ आई एक्स आई, ठीक है, तो मीन पता कर लीता। पर मैं इतने तुहानूं अज्यूम्ड मैथड नाल करके दस रही हाँ। सो काल्पनिक विधि असीं डी आई पता करते हैं। डी आई की हुंदा, एक्स आई माइनस ए। हुण एक्स आई तो सानूं इह पता, क्लास मार्क जिहड़ा साडा एक्स आई आ सारे एक्स आई आ। ए की हैगा, ए असीं इहनां दे विच्चों किसी नूं इक नूं अज्यूम कर लैणा, किसी नूं मन लैणा कि ए आ, ठीक है। तुसीं वह जिहड़ा ए आ वह लैणा सेंटर जिहदे विच, ठीक। असीं मैं 30 भी लै सकदी सी पर मैं 40 लिया। 30 भी लै लोंगे तुसीं तां वी उन्ना ही आंसर आना, 40 लोंगे तां वी उन्ना ही आना। हुण ए हैगा एक्स आई माइनस ए, ठीक है। एक्स आई दे विच्चों ए कटानी आ, एक्स आई साडा हुण इत्थे 10 आ, देखो इहदे चों ए असीं 40 मन्नी आ, 10 चों 40 कटाने आ ते माइनस दे 30 आने, ठीक है। ये देखो इत्थे माइनस 30 फिर माइनस 20 इदां ही चलने, ये भी 10-10 दे फर्क नाल ही, माइनस 10 फिर 0 फिर 10 फिर 20, ठीक है। मतलब तुसी एक्स आई तो यही है ना, एक्स आई साडा 20 आ, 20 चों 40 कटाओगे तो 20 आ जाना, 20 चों सॉरी 30 चों 40 कटाओगे तो 10 आ जाना माइनस का, ठीक है। इस तरह यह चलेगा, इतने 40 चों 40 कटने तो 0 आनी आ, फिर साढ़े को 50 चों 40 कटने, फिर 60 चों 40 कटने। हुण असी लास्ट आता एफ आई डी आई, ठीक है। एफ आई डी आई मतलब एफ आई की तो डी आई की असी गुणा करनी, ठीक है। एफ आई साडा ए आ तो डी आई ए है, ये पिछे 0-0 लगी हुआ, सिर्फ ये गुणा करी जो माइनस है, एक तो माइनस लग जानी है, 3 6 18 नाल 1 0 लगी 180 हो गए, 11 2 22 नाल 0 लगी 220 हो गए, 21 आ देखो 21 10 210, ठीक। तो इतने 0 है तो यह 0 हो गया, तो 14 10 140 तो 20 5 100। हुण साढ़े को दो तरह दी रकम आ गई, एक माइनस वाली तो एक प्लस वाली, गब्बे 0 आ। पहला माइनस वाली का जोड़ कर लेना, वो साइन माइनस का ही लगना, फिर प्लस वाली का जोड़ कर लेना, वो प्लस का साइन तो असी लाते नहीं, फिर असी इन्हों का अंतर पता कर लेना, जिहड़ी रकम साढ़े को ज़्यादा आ वो जी घट है उन्होंने घटा देना, साइन ज़्यादा वाले का लगना। हुण इत्थे 610 सीगे, इहदे चों 240 घटा दो क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा से, इसलिए साडा आंसर आया -370। हुण असी पता करना मीन, मीन का की फॉर्मूला हैगा, माध्यमान का फॉर्मूला हुंदा साडे कोल ए प्लस समिशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन च समिशन ऑफ एफ आई, फ्रीकुएंसी का जोड़ तो एफ आई डी आई जिहड़ा असी इत्थे कढ़िया सी उहदा जोड़, ठीक है। इन्हां दी डिवीजन हुंदी है, ए असी मन्निया सी 40 प्लस समिशन ऑफ एफ आई डी आई -370 बटे च समिशन ऑफ एफ आई, ये देखो 80 है टोटल रोगी उत्थे 80 सी, ठीक। हुण 40 ने तो 40 रहना, ये तो पूरे ही है, इहनूं असी नहीं छेड़ना, ए प्लस माइनस माइनस हो गया 370 बटे च 80, यह 0 ना 0 कट गई साड़ी, लास्ट वाली 0 असी कट सकते हैं, ठीक है। हुण रह गया 37 8 नाल भाग करना, असी 37 8 नाल भाग करना, 8 4 32 32 ते 5 37 डेसीमल लाओ, 0 लाओ डेसीमल, इत्थे लाओ इत्थे आए, 8 6 48 48 ते 2 50 0 20 हो गए, 8 2 16 4 बचे, 1 0 होर ला लो 40 8 5 40, ठीक है। साढ़े को आ गया 4.625, 40 माइनस 4.625। हुण इहनूं असीं माइनस करना, 40 पूरा आ ते 4.625 डेसीमल तो बाद 3 अक्षर असीं 3 0 अपने को 40 नाल डाले हैं, ठीक है। हुण ये 10 बन जाने, 10 च 5 गए 5 9 9 7 9 2 गए 7 9 3 इत्थे भी 9 च 4 गए 5
ते इत्थे तीन, ये साडा आंसर आ गया 35.375। ये मीन आ गया साढ़े, मध्यमन किन्ना आ गया 35.375। हुण इहदी जिहड़ा असी करनी है व्याख्या करनी है, इहदी इहनां दी तुलना करनी है, है ना। साढ़े कोल जिहड़ा मोड सीगा उह सीगा 36.8, ठीक है, ते मीन साढ़े कोल आ गया 35.375। हुण पंजाबी च लओ तां बहुलक हैगा आ 36.8, ते मध्यमन हैगा 35.375। कहण दा भाव कि होस्पिटल जिहड़े दाखल हैगे आ मरीज़ ज़्यादातर इन्नी उम्र दे आ, ज़्यादातर मरीज़ जिहड़े आ 36 तों 37 साल, मतलब 36.8, मतलब 36 तो ज़्यादा आ, 37 तो थोड़े जिहे घट, ज़्यादातर इस उम्र दे आ। पर एवरेज मरीज़ उत्थे कह लो जे सारयां दी एवरेज कढ़ो तो वह 35 साल दे आ, ठीक है ना, जे सारयां दी एवरेज कढ़ीए तो एवरेज मरीज़ 35 साल दे, ठीक है। ये सारा मतलब औसत जिहड़े आ वह 35 साल दे मरीज़ आते उत्थे, पर इस वेले ज़्यादा मरीज़ उत्थे 36.8 साल, ठीक है। सो ये क्वेश्चन साडा कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन। थोड़ी लेंथी हो गई होएगी वीडियो ये, क्योंकि पहला क्वेश्चन सी आराम नाल समझाना सी। इस तो बाद अगले क्वेश्चन फिर करते हैं अगली वीडियो दे विच, तद तक लई बाय बाय।